सो वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 जो इम्पोर्टेंट क्लोज हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर अगर आप आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो चीज़ें होती है आरसीसी सब्जेक्ट की, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं वो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस कोड। सो हेयर वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्लोजेस। लास्ट एडिशन जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5456 का, ठीक है, तो वो कब है? 2000 का, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ने के लिए। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो कन्वर्ट कर रखे, बांट रखे हैं कोड के अंदर। जैसे सेक्शन 1 हो गया जिसमें जनरल है, और जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सो ये चीज़ जो है वो आपको खुद से देखने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाए या डिस्कस किया जाए। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2, जिसके अंदर मटेरियल्स, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे जो मटेरियल वाला, जो सेक्शन 2 के अंदर मटेरियल वाला पॉइंट है, इसमें जितने भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं आरसीसी के, सीमेंट, मिनरल, एडमिक्सचर्स, एग्रीगेट, वाटर, ठीक है, ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट है। देन हाउ वी कैन स्टोर द मटेरियल। फिर जब आपका कंक्रीट आ जाता है, कंक्रीट अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने भी अलग से इसको बना रखा है सेक्शन, जिसमें ग्रेड ऑफ द कंक्रीट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी रिक्वायर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन द कंक्रीट। देन देर इज स्टैंडर्ड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, वर्केबिलिटी किस तरीके से निकाल जाती है और कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं, ड्यूरेबिलिटी। तो कहने मतलब जो आपका सेक्शन 2 है इसके अंदर मटेरियल है, और मटेरियल के अंदर आपका कि मटेरियल की क्या वर्कमैनशिप्स होनी चाहिए, क्या इंस्पेक्शंस होने चाहिए, और किस तरीके से उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी द जनरल डिजाइन कंसिडरेशन। मतलब जब हम मटेरियल पढ़ लेंगे तो उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ज़्यादा के जो क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो बनते हैं आपके सेक्शन 3 से, ठीक है। सेक्शन 3 जिसके अंदर आपके जनरल डिजाइन कंसिडरेशंस हो जाते हैं। तो जनरल डिजाइन कंसिडरेशन के अंदर आपके क्या क्या बेसिस हैं डिज़ाइन के, देन लोड्स एंड फोर्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और बीम हो गया, बीम की किस तरीके से हम डेप्थ डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं, दीज थिंग्स आर गिवन इन सेक्शन 3। देन स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर मेंबर्स एंड सिस्टम, और स्पेशल रिक्वायरमेंट के अंदर आपके डीप बीम आ जाते हैं, कॉर्बेल आ जाता है, रिब्ड होलो ब्लॉक या वॉइडेड स्लैब आ जाता है। तो जो स्पेशल टाइप के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे। फिर फ्लैट स्लैब आ जाते हैं, इसमें वॉल्स आ जाती है, स्टेयर्स, फुटिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो जो बेसिक आपके बीम, स्लैब और ये सब चीज़ें, तो वो तो आपने सेक्शन उसके अंदर पढ़ लिए सेक्शन 3 के अंदर, बट सेक्शन 4 के अंदर वो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे डीप बीम, कॉर्बेल, फ्लैट स्लैब हो गया या फिर वॉल्स हो गई, स्टेयर्स एंड ऑल, दीज थिंग यू विल स्टडी इन सेक्शन 4। देन आफ्टर वन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इज द लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस। तो सेक्शन 5 को लिमिट स्टेट और सेक्शन 6 जो है आपका वर्किंग स्ट्रेस के अकॉर्डिंग बांट रखा है यहाँ पे। अच्छा सेक्शन 6 नहीं है इसमें, सेक्शन 5 के अंदर ही यहाँ पे जो लिमिट स्टेट मेथड है उसके अंदर ही यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शीयर के अंदर, कंप्रेशन में, फ्लेक्चर में, टोर्शन में, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग के अंदर, ठीक है। फिर इसमें ही क्या है कि इन्होंने एनेक्सर बी डाल रखा है जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन 2 से। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है आपका सीमेंट का क्लोज है 5.1, और उसके अंदर क्या है कि जो इम्पोर्टेंट कोड्स हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप सीमेंट है ओपीसी ग्रेड
33 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये कोड है ये 2000 का है, लेकिन 2015 के अंदर क्या हुआ कि नया कोड आ गया सीमेंट के लिए 269 2015। उसके अंदर क्या है कि जो तीनों ग्रेड हैं, तीनों ग्रेड को एक ही के अंदर यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो वहाँ पे तीनों के लिए अब 269 कोड जो है वो उसी के अंदर जो IS 8112 और IS 12269 है उसी को इसी के अंदर मर्ज करके एक कोड बना दिया गया है। तो अगर आपको ग्रेड 33, 43, 53 के लिए पूछा जाए IS कोड तो वो कौन सा है, IS 269 कोड। फिर देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपका ये टेस्टिंग के लिए है, जैसे अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो IS 4031 पार्ट 6 कोड में गिवन है, ठीक। तो वो आपको ध्यान रखना है। रैपिड हार्डनिंग के लिए पूछा जाता है कि IS 8041 है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए IS 455 है। PPC जो है आपका फ्लाई ऐश बेस्ड है अगर, तो 1489 पार्ट 1 है, और अगर PPC आपका कैल्सिनेटेड क्ले बेस्ड है तो पार्ट 2 है, 1489 का पार्ट 2। मतलब PPC के लिए जनरली अगर आपको सिंपली ये पूछा जाए कि PPC के लिए कोड कौन सा होता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो 1489 है, लेकिन उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका है फ्लाई ऐश बेस्ड के लिए और जो कैल्सिनेटेड क्ले बेस्ड के लिए वो पार्ट 2 है। देन हाइड्रोफोबिक सीमेंट जैसे 8041 ये आपका रैपिड हार्डनिंग के लिए हो गया, फिर 8043 ये आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए हो गया। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 12600 और सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट है। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ लिया कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन कौन से होते हैं, जितने टाइप की सीमेंट है ये आपने ये भी देख लिया होगा यहाँ पे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है वो कौन कौन सी होती है। तो ये आपकी OPC से सबसे हमने बात करी, फिर रैपिड हार्डनिंग होती है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होती है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होती है PPC जिसको हम बोलते हैं, फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट, सल्फेट रेजिस्टिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो कहाँ यूज़ करनी चाहिए, जैसे रैपिड कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हमें जल्दी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशंस ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमें जल्दी ही जो बिल्डिंग है या फिर जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको सर्विस में लाना होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या फिर आपका सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे मैराइन कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपका सल्फेट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। लो हीट जैसे आपका कोई लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि डैम हो गया, ठीक है, डैम के लिए यहाँ पे आपको लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे। हाइड्रोफोबिक सीमेंट स्विमिंग पूल्स में अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज़ करें वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा PPC तो जनरली हम जो चिनाई के काम होते हैं कि हम ब्रिक मैसनरी या फिर उसके अलावा स्टोन मैसनरी का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टर वर्क के लिए PPC यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो PPC वहाँ पे यूज़ करते हैं। OPC जनरल स्ट्रक्चर्स में तो हम यूज़ करते हैं बीम, कॉलम, स्लैब, इनकी कास्टिंग के लिए, ठीक है। तो पर्पज़ पता चल गया कि कौन से सीमेंट कहाँ यूज़ करनी है, उसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर देखो क्या पॉइंट है इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये पता करना है फ्लाइज क्या होती है, असली का फ्यूम क्या होती है, पोजोलोनास क्या होती है, पोजोलोना क्या है, पोजोलोना जो मटेरियल है दैट कन्फर्म्स टू रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड में बी यूज विद द परमिशन ऑफ द इंजीनियर इन चार्ज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ब्लेडिंग विद द सीमेंट इंश्योर। पोजोलोना मटेरियल्स जो सीमेंट भी एक ऐसा ही मटेरियल है, जो मार्क करके जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना पॉइंट्स वो इम्पोर्टेंट, सिर्फ हमें वही पढ़ना है। राइस हस्क ऐश, तो ये क्या चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। द राइस हस्क एस इज प्रोड्यूस बाई बर्निंग राइस हस्क एंड कंटेंट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका टू अचीव अमोफस स्टेट। राइस हस्क में बी बर्न एट कंट्रोल टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी आपको सीमेंट बनानी है जैसे सिलिका परसेंट, तो सीमेंट के अंदर हम सिलिका का जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है जैसे कैल्केरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सिलिका जो है हम रिक्वायरमेंट होती है, तो सिलिका जो हम राइस हस्क से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी हमें सिलिका मिल सकता है। उसके बाद में मेटाकाओलिन है, ये भी एक मटेरियल होता है।
GGBS है, GGBS जिसको हम ग्रेनुएटेड, दिस इज़ द ग्रेनुएटेड ब्लास्ट फर्नेस लैग, ठीक है। तो ये भी जनरली अगर हम बात करें सीमेंट के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम यहाँ पे GGBS को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और GGBS वाली जो सीमेंट होती है उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है उतनी ज़्यादा होती है, तो ये ऐड कर सकते हैं जैसे एज ए एडमिक्सचर जो है, इसकी सीमेंट की जो भी है आपका कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए ये मटेरियल्स जो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। GGBS हो गया, मेटा कैलोनी हो गया, आपका फ्लाई राइस हस्क हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये जो पहला पॉइंट था सीमेंट वाला, ठीक है, तो सीमेंट वाले पॉइंट की ही सब टॉपिक्स हैं, जैसे क्लोज है आपका, मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, ये सब तो हमने यहाँ पे बात करी। नाउ एग्रीगेट की हम बात करते हैं। एग्रीगेट के लिए इंडियन स्टैंड कोड कौन सा है, IS 383, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ से बन गया कि एग्रीगेट के लिए कौन कौन सा कोड है। देन एग्रीगेट शैल कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 383 एज फार एज पॉसिबल, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू नेचुरल एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम नेचुरल एग्रीगेट को प्रेफर करेंगे, अगर नेचुरल एग्रीगेट नहीं है देन अदर टाइप्स ऑफ एग्रीगेट सच एज स्लैग एंड क्रेस और brick or tile which may be found suitable with regard to strength, durability of the concrete and freedom from harmful effect may be used for the plain concrete members। देखो आप यहाँ पे एग्रीगेट में हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे फाइन एग्रीगेट होता है आपका, एक कोर्स एग्रीगेट होता है। तो फाइन एग्रीगेट में हम बात करते हैं जैसे सैंड होती है ना एक, तो सैंड में आजकल क्या चल रहा है कि एक होती है आपकी नेचुरल सैंड, रिवर सैंड जिसको हम बोलते हैं, एक होती है आपकी मैन्युफैक्चर्ड सैंड जिसको हम एम सैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ सैंड इज़ बेटर, ठीक है, कौन सी सैंड है जो बेटर है और कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए। देखो स्ट्रेंथ की बात करें, देखो अगर हम ओनली स्ट्रेंथ जो है उस क्राइटेरिया को देखें तो एम सैंड की स्ट्रेंथ जो है नेचुरल सैंड से ज़्यादा हो सकती है और जनरली होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हमें अदर जो पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल करवाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ग्रेडिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट ग्रेडिंग होती है रिवर सैंड और नेचुरल सैंड की, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे जो ग्रेडिंग होती है ग्रेडिंग वो नेचुरल में बेस्ट होती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पे। और जहाँ पे अगर हम एम सैंड की बात करें, एम सैंड के अंदर पुअर ग्रेडिंग होती है, ठीक है, ग्रेडिंग जो होती है पुअर होता है, इसलिए जो यहाँ पे हम रिवर सैंड जो है, रिवर सैंड इज़ बेटर देन द एम सैंड, ग्रेडिंग वाली बात होगी। उसके अलावा अगर हमें फॉर एग्जांपल M30 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, M30 ग्रेड का जो भी कंक्रीट बनाएंगे उसके लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जैसे मान लीजिए आप आपकी कौन सी है एक्सट्रीम कंडीशन है, या मान लीजिए माइल्ड मॉडरेट या सीवियर कंडीशन है, ठीक है, तो सीवियर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट, सीवियर चलो माइल्ड मान लीजिए, माइल्ड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए होता 300 किलोग्राम पर सीमेंट का रिक्वायरमेंट होती है, 300 किलो सीमेंट की होती है रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे एम सैंड बनाएंगे तो एम सैंड के अंदर सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज एग्रीगेट साइज़ है वो कम है, और जहाँ पे भी आपकी एग्रीगेट की एवरेज साइज़ कम होती है वहाँ पे आपको सीमेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, मतलब सेम स्ट्रेंथ के लिए हमें एग्रीगेट जो सीमेंट का परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीमेंट का यूज़ ज़्यादा होगा, तो ये अनइकोनॉमिकल पड़ जाता है। हालांकि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो एम सैंड जो है वो चीपर देन रिवर सैंड होती है, लेकिन अगर हम सीमेंट उसके अंदर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा तो वो तो वही बात पड़ जाती है कि आपका जो एम सैंड से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है या जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। ड्यूरेबिलिटी जो है वो नेचुरल सैंड की ज़्यादा होती है और जो एम सैंड है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, मतलब जो अगर हम ये बात करें कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स से कौन सी सैंड ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, ठीक है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जैसे कि टेम्परेचर का राइज एंड फॉल हो रहा है, अगर आपका सल्फेट अटैक हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपका जो नेचुरल सैंड है वो ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हमने पॉइंट तो आपका एग्रीगेट था पर हमने सैंड और एम सैंड पे बात कर ली, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। सो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं आपके साइज ऑफ द एग्रीगेट। नाउ
साइज ऑफ द एग्रीगेट क्या है और कैसे हम डिसाइड करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि बीम है आपका, जैसे मान लीजिए 300 mm का क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो हाउ विल यू डिसाइड कि आप इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे कितना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ से आंसर मिलेगा। आईएस का आईएस कोड 456 में क्लोज 5.3.3 यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड, बट इन नो केस ग्रेटर देन द 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेम्बर। हम ये चाहते हैं कि जो नॉमिनल साइज हो, मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि विद इन लिमिट से ही, लिमिट ही क्रॉस कर दे, मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग। और लिमिट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कोड के, कि 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेम्बर। मतलब अगर एक 600 बाई 300 का बीम है, तो इसमें मिनिमम कौन सा हुआ 300, तो 300/4 मतलब 75 mm जो है वहाँ तक का हम एग्रीगेट ले सकते हैं। अब आगे सुनो, 75 mm तो ले सकते हैं, ये वाली पहली लाइन होगी। उसके अलावा प्रोवाइडेड दे द कंक्रीट कैन बी प्लेस विदाउट डिफिकल्टी सो एज टू सराउंड ऑल द रिइंफोर्समेंट थोरोली एंड फिल द कॉर्नर्स ऑफ द फॉर्म। मतलब आप 1/4 वाला एक क्राइटेरिया, उसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया है कि आप वहाँ पे प्लेसिंग करो जब कंक्रीट को, तो उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, फॉर्मवर्क के, वो अच्छे से फिल हो जाने चाहिए यहाँ पे। फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क 20 mm एग्रीगेट इज सूटेबल। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, डिज़ाइन मिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, नॉमिनल मिक्स में तो चलो आप रेशियो के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कि एक पार्ट कितना सीमेंट का, कितना पार्ट लेंगे, फाइन एग्रीगेट का कितना लेंगे और कोर्स सैंड का, कोर्स एग्रीगेट का कितना लेंगे। बट मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं, जहाँ पे हम डिज़ाइन मिक्स की बात करें, वो जनरली हम 20 mm का एग्रीगेट वो सूटेबल होता है। ठीक है, एंड वेयर देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट इन टू सेक्शन, 40 mm और लार्जर साइज में भी परमिटेड। इन कॉन्क्रीट एलिमेंट्स विद थिन सेक्शंस क्लोजली स्पेस इन्फोर्समेंट और स्मॉल कवर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू यूज ऑफ 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आपका थिन सेक्शन है या फिर आपका रिइंफोर्समेंट है वो क्लोजली स्पेस्ड है, डेंस, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप, 10 mm तक का जो है उसको परमिट करोगे यहाँ पे नॉमिनल मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट किया। अच्छा, उसके अलावा प्लम्स अबोव 160 mm एंड अप टू एनी रीजनेबल साइज में बी यूज इन प्लेन कंक्रीट वर्क अप टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20% बाई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट वैन स्पेशली परमिटेड बाई द इंजीनियरिंग चार्ज। तो ये तो स्पेशल प्रोविजन्स हो गए अगर साइट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पर साइट कंडीशन कैसी है, अगर आपका जो इंजीनियर इंचार्ज है वो उसको परमिट करता है, तो प्लम्स जो हैं वहाँ पर 160 mm या फिर उससे ज़्यादा साइज़ के यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो मेन तो हम यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखो उसके बाद साथ में कोई पॉइंट आ गया तो हमने वहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो हमने हाईलाइट कर रखा है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। चलिए एग्रीगेट की ही बात कर रहे हैं हम आगे। फॉर हैवीली रिइंफोर्स कॉन्क्रीट मेम्बर सच एज इन केस ऑफ द रिब्स ऑफ द मेन बीम, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट शुड यूजली बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार। पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट जो है वो हैवी रेनफोर्समेंट है, मतलब क्लोजली स्पेस्ड आपका रेनफोर्समेंट, वहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है वो 5 mm कम होनी चाहिए मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार से। अगर मान लीजिए ये रिब है, ठीक है, इसके अंदर कोई रिइंफोर्समेंट है, मेन बार ये है, तो मेन बार के बीच की स्पेसिंग मान लीजिए 25 mm है, तो 25 mm है तो -5 mm कर दो, मतलब 20 mm ही यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीगेट साइज यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रिइंफोर्समेंट विच एवर इज स्मॉल। अब मान लीजिए बीम के अंदर आप 20 mm जो हैं वो मिनिमम कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 5 करोगे कम तो 15 mm। तो पहला क्राइटेरिया तो कह रहा है 20 mm ले लो, दूसरा कह रहा है 15 mm ले लो, तो दोनों में से जो स्मॉल है, विच एवर इज स्मॉल,
तो हम यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीगेट की साइज़ हो 15 mm, ठीक है। जनरली मार्केट में आपका 20 mm अवेलेबल होता है और 10 mm का एग्रीगेट अवेलेबल होता है, तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे कि 10 mm वाला जो एग्रीगेट उसको प्रेफर करेंगे, 20 वाला यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने जो कंडीशन है वो कंडीशन मान के और यहाँ पे डिस्कस किया इस पॉइंट को कि अगर मान लीजिए कि ऐसा बीम है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, रिब और रिब है जैसे कोई बीम की, तो उसके अंदर रिइंफोर्समेंट हैवीली रिइंफोर्स है, मतलब क्लोज्ड स्पेस टाइप का, तो ये एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट के बाद में चलो ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट शैल बी बैच सेपरेटली, ऑल इन एग्रीगेट में बी यूज ओनली वेयर स्पेशली परमिटेड बाय द इंजीनियर। देखो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है, उसको अलग अलग बैच बैच करना मतलब वो वेट करते हैं, जब भी हम डिज़ाइन मिक्स बनाने के बाद में उसको एक्चुअली कंक्रीट जब हम बनाते हैं तो अलग अलग जो है उसको वेट करना है आपको। बैचिंग का मतलब है कि आपका वेट बैचिंग होगी या वॉल्यूम बैचिंग होगी, आप किस तरीके से, तो उसको अलग अलग करना कोर्स और फाइन एग्रीगेट को। तो कोर्स हो गया, फाइन एग्रीगेट, इसके अलावा एक जो एग्रीगेट है, एक तो जो कोर्स एग्रीगेट होता है आपको मैं बता दूँ, देखो कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो होता है आपका एक तो सिंगल ग्रेंड, ठीक है, और एक होता है ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट, अब सिंगल ग्रेंड में आ गया आपका 20 mm आ गया, 10 mm आ गया, ऑल इन एग्रीगेट में मतलब रेंज है आपकी कि कोई सी इस रेंज के बीच में 20 से 4.75 के बीच के रेंज का जो है कोई सा भी एग्रीगेट की साइज़ प्रेजेंट हो सकती है, तो ऑल इन एग्रीगेट है उसको हम ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे अगर मान लीजिए इंजीनियर इंचार्ज प्रोवाइड कर कह रहा है कि हाँ ठीक है इसको भी यूज़ कर लो, तो वहाँ पे। बाकी हम प्रीफर तो कौन सा करते हैं, कोर्स के अंदर सिंगल ग्रेन में 20 mm हो गया या 10 mm हो गया। चलिए उसके बाद में पॉइंट है आपका एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट लीस्ट 3 150 mm कंक्रीट क्यूब प्रिपेयर विद वाटर प्रपोज टू यूज शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 सिमिलर कंक्रीट क्यूब्स प्रिपेयर विद डिस्टिल्ड वाटर, द क्यूब शैल बी प्रिपेयर्ड क्योर एंड टेस्टेड इन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ IS 516। जो आपका कंक्रीट होता है, कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए हम क्यूब साइज क्या रखते हैं, 150 by 150 mm। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हम सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं उसके लिए हम 70.6 mm का रखते हैं, और कंक्रीट का अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं कंक्रीट के लिए जो क्यूब साइज़ होता है वो 150 mm रखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि सीमेंट के लिए अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका क्यूब साइज़ कितना होना चाहिए, कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो क्यूब साइज़ क्या होना चाहिए। उसके अलावा देखो तीन आपको मिनिमम जो है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम जो आपके सैंपल्स है तीन होने चाहिए, 1, 2, 3। अगर आप ये कह रहे हो कि एक हम एक कंक्रीट बना रहे हैं और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है तो एक क्यूब से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे मिनिमम सेट होना चाहिए आपका 3 का, और जिसके भी अंदर क्या होना चाहिए इनकी जो एवरेज स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नॉट लेस देन 90% होनी चाहिए, ठीक है। कहने मतलब एक तो इंडिविजुअल वेरिएशन होता है इसके अंदर क्राइटेरिया कि पहला सैंपल या दूसरा सैंपल या तीसरा सैंपल इनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशन प्लस माइनस 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके सो उसके बाद में है कि जो क्यूब है वो शैल बी प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू IS 516। IS 516 जो कोड है उसमें जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपको क्यूब प्रिपरेशन करनी है, उसकी क्योरिंग किस तरीके से करनी है और टेस्ट कैसे करना है, वो सब वहाँ पे गिवन है। वैसे तो आपको कोड में यही गिवन है IS 516 में कि आपको 150 by 150 mm का क्यूब रखना है। क्यूब रखने के बाद में उसको किस तरीके से आप कंक्रीट मिक्स बनाएंगे, डिज़ाइन मिक्स बना रहे हैं, डिज़ाइन मिक्स के बाद उसमें वाइब्रेशंस के, अगर आप हैंड वाइब्रेशन कर रहे हैं तो 25 times जो है उसको टैंपिंग करेंगे रोड से, जो 16 mm की और 60 सेंटीमीटर हाइट का जो रोड होती है उसे, और अगर आप वाइब्रेशन यूज़ करें तो डायरेक्टली आप वाइब्रेटरी टेबल होती है उस पर वाइब्रेट करके एंड देन यू कैन टेस्ट। उसके अलावा टेस्टिंग के लिए जो क्यूरिंग के लिए जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 27 ± 2 degrees Celsius, ये तो आपका टेम्परेचर होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 90% होनी चाहिए, ठीक है, ये कोड में गिवन है। तो क्यूरिंग वाला ये हो गया, प्रिपेयर की बात कर ही लिया, और टेस्टिंग में यह है
जो रेट ऑफ लोडिंग होती है, ठीक है, टेस्टिंग भी आपका ये 3 दिन पे होता है, एक 7 दिन पे होता है, एक 28 दिन पे होता है, ठीक है। तो आप 3rd डे पे भी कर सकते हैं, 7th डे पे कर सकते हैं, 28th डे पे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जब आप कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करते हैं तो उसमें रेट ऑफ लोडिंग का भी कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, वो भी एज़ पर IS 516 होना चाहिए। वाटर के अंदर pH वैल्यू जो है, जब भी आप वाटर मिक्स करते हैं, देखो स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग है उसके लिए तो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन साइट पे जो भी आप वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो तो डिस्टिल हो नहीं सकता, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया तो एटलीस्ट होना चाहिए कि वहाँ पे pH वैल्यू जो है वाटर की, दिस pH वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन 6। चलिए एक्सक्यूज। अब वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या क्या सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और सल्फेट्स क्लोराइड्स एंड ऑल दीज। सो इन सब की भी कुछ लिमिट्स हैं यहाँ पे। IS कोड कहता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट जो है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उसके अंदर जो लिमिट है उसकी, वो कितनी है, 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, दिस इज़ द परमिसेबल मैक्सिमम लिमिट। ओके, इनऑर्गेनिक के लिए है 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स के लिए है 400 मिलीग्राम्स पर लीटर। और देखो इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्टिंग होती है वाटर की, ऑर्गेनिक इनगोरिंग सल्फेट्स कितने हैं, क्लोराइड्स कितने हैं, इनकी टेस्टिंग एज़ पर IS 3025 कोड होती है। इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 3025 कोड है वो यूज़ होता है वाटर की टेस्टिंग के लिए। वैसे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ आ जाती है कि अगर आप मान लीजिए वाटर के लिए सल्फेट टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं, क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं तो। बट आपको विद रिस्पेक्ट टू RCC ऑल्सो दीज कोड मस्ट बी नोन टू यू। नाउ परमिसेबल लिमिट क्लोराइड्स की है 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर, और सस्पेंडेड मैटर जो है उसके लिए 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर। इंपॉर्टेंट आपको सल्फेट वाला याद होना चाहिए, ठीक है, सल्फेट वाला और सस्पेंडेड मैटर। तो सल्फेट के लिए 400 मिलीग्राम्स पर लीटर ये लिमिट है, कि इससे ज़्यादा जो है वाटर के अंदर सल्फेट एज SO3 नहीं होना चाहिए। देखो इसमें भी है, सल्फेट की फॉर्म है SO3 और क्लोराइड HCl है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ स्टील सेल बी टेकन एज 200 kN पर mm². देखो ऑल टाइप ऑफ स्टील, आपको माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हो, HYSD बार यूज़ कर रहे हो, TMT सरिया यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, सबके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड ने कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये कहता है कि आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो आपका है 2 × 10⁵ न्यूटन्स पर mm² या 200 kN पर mm². तो ये इतनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट स्टील सेल बी अज्यूम एज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या भला आ गई 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। देखो कभी कभी जब आपने ये पढ़ा होगा कि एक तो होता है आपका माइल्ड स्टील, एक होता है आपका HYSD बार, ठीक है। तो माइल्ड स्टील में तो क्या है, आपका डिफाइंड यील्ड पॉइंट आता है, तो यहाँ पे तो क्या है कि ये प्रूफ स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लीजिए HYSD बार यूज़ कर रहे हैं, तो HYSD बार के अंदर देखिए, मान लो मैं ग्राफ बनाऊँ स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन का, अगर हम ग्राफ बनाते हैं माइल्ड स्टील के लिए, क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये अपर यील्ड, लोअर यील्ड, फिर ये प्लास्टिक रेंज आ जाती है, फिर अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो है आपको डिफाइंड FY, जो FY यील्ड पॉइंट है, ये आपका स्ट्रेस हो गया इधर और इस इधर स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ माइल्ड स्टील में तो आपको डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिल जाएगा, FY की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, FY इतना है इसके अंदर, ठीक है, और FU जो आपका होता है अल्टीमेट होता है। लेकिन जब आप ग्राफ बनाएं HYSD बार का, तो उसका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई डिफाइंड यील्ड पॉइंट आया ही नहीं। तो हम ये मानते हैं इसमें कि जब आपका स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में, जिस स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, वो आपका यील्ड स्ट्रेस हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 0.002 स्ट्रेन है, और इस पे आप क्या करेंगे, ये टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेस आ गया, आपका यील्ड स्ट्रेस आ गया। तो इसको बोलेंगे हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे हम इसको, और इसको ही हम यील्ड स्ट्रेस बोलेंगे। ये इधर स्ट्रेस हो गया और इधर स्ट्रेन हो गया,
ठीक है, क्लियर ये चीज। चलिए आगे क्या पॉइंट है आपका। अच्छा, एक तो हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि जो इधर वाले कॉलम्स है, ठीक है, इधर वाले कॉलम पहले ख़त्म करेंगे फिर इधर, क्योंकि कभी कभी हम अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो कभी ये पॉइंट आ गया, कभी ये पॉइंट आ गया, तो सीक्वेंस ही चलेंगे हम। तो इधर 5.6 में है रेनफोर्समेंट के लिए कि एच वाई एच डी के बार के लिए कौन सा कोड है, एच वाई एच डी बार के लिए कौन सा कोड है, माइल्ड स्टील के लिए कौन सा कोड है, ठीक है। तो दो कोड जो है वो आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टील जो है, स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्म ग्रेड, इसके लिए कौन सा कोड हम यूज़ करते हैं। तो IS कोड जो है माइल्ड स्टील के लिए IS 432, एच वाई एच डी बार के लिए IS 1786, और स्ट्रक्चर स्टील दैट इज़ कन्फर्म टू ग्रेड ए दैट इज़ IS 2062, दिस कोड वी यूज़। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे बात कर ली कि यील्ड स्ट्रेस की, स्टील की। और अब कंक्रीट की बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है आपका कंक्रीट। हमने वाटर की बात कर ली, हमने एग्रीगेट की बात कर ली, सीमेंट की बात कर ली, ठीक है, और स्टील की बात कर ली। उसके बाद में आपका है कंक्रीट। तो क्योंकि हमारा जो सेक्शन टू है वो एक मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, हम किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कंक्रीट में देखो, कंक्रीट ऑफ ग्रेड्स लोअर देन दोज गिवन इन टेबल 5। अब टेबल 5 भी देखनी पड़ेगी हमें क्या है। मे बी यूज फॉर प्लेन कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस, लीन कंक्रीट, सिंपल फाउंडेशंस, फाउंडेशन फॉर मैसनरी वॉल एंड अदर सिंपल और टेम्परेरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो टेबल 5 में जो है इन्होंने ये कह रखा है, कंक्रीट ऑफ द ग्रेड लोअर देन दोज गिवन इन टेबल 5 में भी यूज फॉर प्लेन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। मतलब टेबल 5 में जो है उससे कम ग्रेड की अगर आप कंक्रीट यूज़ करोगे तो वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लीन कंक्रीट में यूज़ कर सकते हैं, सिंपल फाउंडेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखो टेबल 5 पहले हम देख लेते हैं, दिस इज़ द टेबल 3, टेबल 4 एंड टेबल 5। आप देखो टेबल 5 में जो है यहाँ पे मिनिमम ग्रेड दे रखी है, मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर कंडीशंस दे रखी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस टेबल में जो मिनिमम ग्रेड है इससे भी अगर आप कम ग्रेड का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे बता रखा है कि भाई आप जो हैं कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लीन कंक्रीट, सिंपल फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर मेसनरी वॉल एंड अदर सिंपल और टेम्परेरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। लेकिन जहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको ब्रिज बनाना है, आपको बिल्डिंग बनानी है, हाई रेज स्ट्रक्चर बनानी है, वहाँ पे आपको डिजाइन मिक्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये पॉइंट है इसका, या मतलब ये है इस चीज़ का। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए कंक्रीट की, डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन द 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 28 दिन के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम डिज़ाइन करते हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप टेस्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपका एक आता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसके अलावा जब आपके पास डेटा नहीं हो, ठीक है, और डेटा नहीं होता है तो हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, FCR इक्वल्स टू 0.7 अंडर रूट FCK। और ये है कि आपकी ये वाली जो स्ट्रेंथ है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो वो डिपेंड कर रही है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ शैल बी ऑब्टेंड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 516 एंड IS 5816 रिस्पेक्टिवली। तो इसके कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर है कि जब भी आप स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में आप सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, सिलेंडर का जो साइज़ होता है 150, उसका डायमीटर होता है 300, हाइट होती है, इस सिलेंडर को हम क्या करते हैं कि ऐसे डायमीटर के लिए कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखते हैं, यहाँ पे लकड़ी का वो लगा देते हैं, ठीक है, और जब कंप्रेसिव लोड लगता है डायमीटर के लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं इसका, जब कंप्रेसिव लोड यहाँ लग रहा है तो कंप्रेसिव लोड लगने की वजह से क्या होता है कि ये
डिफाइंड प्लेन के थ्रू स्प्लिट होता है और अटेंशन जो है यहाँ पे इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो फेलियर यहाँ पे टेंशन में फेलियर होता है, तो टेंशन में जितने लोड पे फेलियर हुआ और उसको हम बोलते हैं पी बोल देते हैं उसको, और उसका फॉर्मूला जो होता है आपका टेंसिल स्ट्रेंथ का वो 2P/πDL होता है, तो वहाँ से आप उसका स्प्लिट टेंसिल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से फ्लेक्जर के लिए भी पूरा प्रोसीजर है, वो भी आप यहाँ पे क्या डिस्कस करें वो अलग से जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं कॉन्क्रीट के वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फ्लेक्जर स्ट्रेंथ जो है FCR इक्वल टू 0.7√FCK, यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, ये इसके लिए फॉर्मूला है आपका 5000√FCK, IS कोड 1978 था, पहले वाला कोड वो कहता था कि 5700√FCK, बट नया कोड है वो आपका 5000√FCK है यूज़ करता है। एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज में डिफर बाय ±20% फ्रॉम द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशंस। एक्चुअल वैल्यूज जो है वो वेरी कर सकती है, इन्होंने ऐसा कहा। कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज वाली प्रॉपर्टी है, फॉर ए गिवन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड अ लेसर एक्सटेंट बाय द सीमेंट कंटेंट। या तो वाटर पे प्रेजेंट डिपेंड करेगा जो श्रिंकेज होगा, और सीमेंट कंटेंट पे डिपेंड करेगा, तो ये दो चीज़ें उन पर डिपेंड करता है। वाटर सीमेंट रेशियो उस पर भी आपका श्रिंकेज वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास श्रिंकेज का डेटा नहीं है देन वी कैन यूज़ अप्रोक्सीमेटली जो श्रिंकेज स्ट्रेन है 0.003, इतना हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी IS 1343, ये प्री स्ट्रेसिंग का कोड है 1343, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका अगर कंक्रीट में प्री टेंशन हो रहा है, प्री टेंशन में जनरली देखो प्री स्ट्रेसिंग तो है नहीं, आप यहाँ पे RCC है, RCC स्ट्रक्चर में हम पाते हैं कि 3×10⁴ यह आपका श्रिंकेज स्ट्रेन होता है, ठीक है। लेकिन अब 1343 कोड है उसमें क्या कह रखा है कि अगर आपका प्री टेंशन है तो यहाँ पे इतना यूज़ कर लो, पोस्ट टेंशन है 2×10⁻⁴, उसमें लोग टी प्लस 4 को समथिंग फॉर्मूला है कि आप देखना IS 1343 कोड में, तो उसके अकॉर्डिंग हम श्रिंकेज स्ट्रेन अज्यूम करते हैं कि कितना श्रिंकेज स्ट्रेन है यहाँ पे। देन आफ्टर क्रीप, तो क्रीप के लिए भी आपका क्रीप क्या है पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द क्रीप ऑफ द कंक्रीट। सस्टेन लोडिंग के वजह से कोई किसी स्ट्रक्चर पे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई डेड लोड है, सस्टेन लोड है, तो उसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा वो इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, इलास्टिक नहीं है कि रिकवर नहीं करेगा यहाँ पे, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम क्रीप बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्रीप के लिए भी देख, फॉर द लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर इट इज एडवाइजेबल टू डिटरमाइन द एक्चुअल क्रीप स्ट्रेन, और अदरवाइज जो एज ऑफ द लोडिंग है 7th day के ऊपर क्रीप कोफिशेंट की वैल्यू 2.2 होती है, 28 दिन पे 1.6 होती है, 1 year पे 1.1 होती है। ये तो टेबल याद कर लो भाई, पूछ सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम होता है तो क्रीप कोफिशेंट 28 days कितना होता है, 1 साल पे क्रीप कोफिशेंट, मतलब ये है कि क्रीप की वैल्यू जो इनिशियल डेज में होती है ना, तो क्रीप जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, जैसे मान लीजिए बीम, मान लीजिए हम सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर डेड लोड लग रहा है, तो इनिशियली जो 28 दिन का या 7 दिन का जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ना वो जल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आगे वो धीरे धीरे क्रीपी की वैल्यू, मतलब वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली जितना क्रीप होना होता है वो हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशंस होते हैं जो, तो यहाँ पर क्रीप कोफिशेंट की वैल्यू 7th day की जो होती है वो हाफ ऑफ द 1st year की होती है, जो 1 साल में जितना क्रीप स्ट्रेन होता उसका आधा तो जो है वो आपका 7 दिन में हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। देन अगेन थर्मल एक्सपेंशन, देखो थर्मल एक्सपेंशन भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसलिए है कि जो आपका कंक्रीट जब आपका बनेगा, कंक्रीट के लिए आपसे पूछा जाएगा कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, ठीक है, 12×10⁻⁶/°C। दिस इज द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर द स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट का थोड़ा बहुत वेरी ये कर लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम होता है,
कंक्रीट की हम बात करें तो कंक्रीट के लिए जो थर्मल कोफिशिएंट मैं बात कर रहा हूँ, तो वो किस पे डिपेंड करता है? जनरली एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि 70% जो है पूरे कंक्रीट के अंदर ओनली आपका एग्रीगेट ही है। तो एग्रीगेट का जो थर्मल एक्सपेंशन होगा उससे डेफिनेटली आपका कंक्रीट की जो थर्मल एक्सपेंशन वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आपका टाइप ऑफ एग्रीगेट है, तो मान लीजिए क्वार्टजाइट है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट लाइमस्टोन, तो इनका जो थर्मल एक्सपेंशन है ना उसके ऊपर आपका कंक्रीट का डिपेंड करेगा कि कंक्रीट। और हम ये चाहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? और थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम होगा कहने मतलब, अगर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से वहाँ पे चेंज इन द बीम साइज, मतलब उसके अंदर जो भी वेरिएशंस हो रहे हैं, जो भी स्ट्रेन आ रहे हैं, वो मिनिमम होंगे अगर आपका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट जो है वो कम होगा तो, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, आपको ये वैल्यूज़ कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको कंक्रीट का और स्टील का थर्मल कोफिशियंट जो है वो पता होना चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट जो है। नाउ कंक्रीट की एक और प्रॉपर्टी आ जाती है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी में देखो, अगर आप डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आपका स्लम कोन टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर होता है, ठीक है? इसके अलावा कैली वैली ये वाला टेस्ट होता है जो आपका इनर स्टैंडर्ड कोड, वैसे तो इस चीज़ को लिखता नहीं है अपने कोड में, लेकिन जनरली जो थ्री टेस्ट हैं वो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर हो गया, स्लम कोन टेस्ट हो गया और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हो गया। तो देखिए वर्केबिलिटी, अगर हम स्लम्प से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लम्प की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। स्लम्प क्या होता है? स्लम्प कोन जो है आपका, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, स्लम्प कोन होता है कुछ इस शेप का, जिसका कुछ 10 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे आपका पकड़ने का होता है, यहाँ पे इसको 10 सेंटीमीटर ये डायमीटर होता है, इसको हम फिल करके जो है और कंक्रीट से फिल करते हैं, तो कंक्रीट से फिल करने के बाद में इसको लिफ्ट करते हैं, तो जितना इनिशियल लेवल से फॉल होता है कंक्रीट का उसको ही हम स्लम्प कहते हैं। तो जितना ज़्यादा स्लम्प होगा उतना ही ज़्यादा कंक्रीट आपका वर्केबल होगा, ठीक है? तो वर्केबिलिटी को डिफाइन कर रखा है लो, वेरी लो से और वेरी हाई के बीच में। तो वेरी लो कब होगा, लो कब होगा, मीडियम कब होगा, हाई कब होगा और वेरी हाई कब होगा, अकॉर्डिंग टू स्लम्प वैल्यू। अब अगर मान लीजिए 25 to 75 है तो आपका लो वर्केबल है, 50 से 100 के बीच में मीडियम है, 75 से 100 के बीच में। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये 2000 का कोड था, उसके बाद में इसमें कुछ ना इन्होंने गलती करी थी, तो इन्होंने ये जो स्लिप फॉर्मक और पम्प्ड कंक्रीट है इसके लिए ये वाला है। अगर आप वर्किंग कंडीशन, अगर आपकी स्लिप फॉर्मक है या पम्प कंक्रीट है, तो उसके लिए जो स्लम्प की वैल्यू है वो 75 से 100 के बीच में अगर होती है तो उसको हम कहेंगे कि मीडियम वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट है। 50 से 100 के बीच में हैवीली रिन्फोर्स्ड सेक्शंस हैं और बीम्स है, वॉल्स है, कॉलम्स है, वहाँ पे ये वाला जो स्लम्प की वैल्यू है वर्केबल ये यूज़ करेंगे हम। अब इसके रिलेवेंट मैंने यहाँ पे देखा, जब आप ये कह रहे हैं, ये देखो पहला वाला पॉइंट देखो, जब आपका कंक्रीट जो है सैलो सेक्शंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पेव्ड पेवमेंट्स यूजिंग पेवर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट आपका वेरी लो। और वेरी लो जो है वो आप स्लम कॉन्टेस्ट से करेंगे तो वहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वेरी लो वर्केबिलिटी की जो सूटेबल वर्केबिलिटी टेस्ट है वो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, और वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है वो 0.75 आती है। अगर आप लो वर्केबिलिटी को कंक्रीट की बात करते हैं उसके लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की 0.85 आती है वैल्यू। मीडियम वर्केबिलिटी का कंक्रीट है उसके लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है 0.92 आती है। सिमिलरली हाई वर्केबिलिटी के लिए आपका 0.95 आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की क्या वैल्यू होगी, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वेरी हाई वर्केबिलिटी का अगर कॉन्क्रीट है जो कि आपका टर्मी कंक्रीट यहाँ पे प्लेसिंग कंडीशंस में यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन के लिए आपका जो वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट है उसके लिए हम टेस्ट करेंगे कौन सा, फ्लोटेबल टेस्ट करेंगे।
अब वहाँ पे कॉम्पेक्शन फैक्टर भी काम नहीं करेगा और आपका जो स्लम कोन टेस्ट है वो भी काम नहीं करेगा। तो कौन सा? फ्लोटेबल टेस्ट। तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के आपने पांच हैं आपके टेस्ट, स्लम कोन, कॉम्पेक्शन फैक्टर, वीबी कंसिस्टोमीटर, फ्लोटेबल और एक कैलिबेली अपैरेटस होता है वो, ठीक है। वो कभी किया नहीं वैसे, क्यों इंडियन जो लैब्स होती वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होता। नाउ अगर आपका वेरी हाई है वर्केबिलिटी तो कौन सा टेस्ट करोगे आप? फ्लोटेबल टेस्ट, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। और ये तो आपको कम से कम 2 या 3 नंबर, एक ही एग्ज़ाम से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछेंगे, अगर आपका स्लम्प की वैल्यू 50-100 के बीच में है, आपका कंक्रीट लो वर्केबल है, मीडियम वर्केबल है, हाई वर्केबल है, वेरी हाई, ऑप्शन दे रखा, तो आपका कौन सा सिलेक्ट होगा? आपका मीडियम वर्केबल। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉर मीडियम वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉम्पेक्शन फैक्टर। देन कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू भी आपको मीडियम के लिए 0.92 आपको लिखनी पड़ेगी वहाँ पर। लो के लिए कितनी होती है? 0.85 होती है, ठीक है। और वेरी लो के लिए 0.75, और कभी कभी कोई बुक के अंदर 0.78 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0.75 जो है वो वेरी वर्केबल, वेरी लो कंडीशन का, अगर वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट है तो उसके लिए कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.75। फ्लोटेबल टेस्ट, फ्लोटेबल टेस्ट भी आपको आना चाहिए। फ्लोटेबल टेस्ट में जनरली दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर द वेरी हाई वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट। इसके अंदर क्या करते हैं, उसी तरीका फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम शेप का कोन होता है, जिसको हम फिल करते हैं, लिफ्ट करते हैं और 6 डिफरेंट डायमीटर है उसको मेजर करते हैं, और एवरेज जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है, जितना आपका स्प्रेड हुआ -25 डिवाइड बाई 2500। वो फॉर्मूला है जो आप देख लेने पर तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपकी वर्केबिलिटी की क्या रेंज है। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के अंदर तो हम क्या बात करेंगे, ड्यूरेबिलिटी जो अगर जो आपका कंक्रीट है उसके अंदर अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो उन पे डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कम होगी या ज़्यादा होगी, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट बिल्कुल होगा। एनवायरनमेंट में अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन, अगर आपको जो एरिया है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर कंडीशन, मान लीजिए एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन है, सीवियर है, वेरी सीवियर, वहाँ पे जो है वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट कम होगी। कवर टू द एम्बेडेड स्टील, स्टील के अंदर जो कवर है, ठीक है, आप मान लीजिए 25 mm रिक्वायरमेंट है, आपने 25 mm डाला ही नहीं, आपका कंक्रीट जो स्टील है वो एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट है और उसकी वजह से रस्टिंग होगी वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी कम होगी। तो कवर जो है ये भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो ड्यूरेबिलिटी को कौन कौन सा, एक तो एनवायरनमेंट हो गया आपका, द कवर टू द एम्ब्रॉयडर्ड स्टील, द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट मटेरियल, द सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन द फुल कॉम्पेक्शन एंड एफिशिएंट क्यूरिंग, द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स, दैट इज दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। द वीडियो इज ऑफ 48 मिनट्स। देखो कितना लंबा वीडियो हो जाए लेकिन वीडियो के अंदर जो है अगर आप पढ़ रहे हो, अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है, 48 मिनट हो गया, 48 मिनट तक अगर आपने पढ़ा होगा, ये लेक्चर देखा होगा, तो इसमें इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी नॉलेज है, और आगे के जितने भी आने वाले स्लाइड्स से, जितने पॉइंट्स से, जितने पेजेस होंगे, उन सभी के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड तो एक हर एक सिविल इंजीनियर को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये टेबल पढ़ते सब हैं ये चीज़ें, देखो अब आप क्या करोगे, नोट्स देखोगे अपने, ठीक है, नोट्स में ये चीज़ लिखी पड़ी होगी आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा होगा वहाँ पे। अब ये अगर आप IAS कोड में पढ़ रहे हैं तो बेटर है आपको, क्योंकि IAS कोड में तो आप सब कुछ पढ़ लोगे,
और जो आपके नोट्स हैं वहाँ पे सिलेक्टेड कंटेंट लिखा जाता है। फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई पीएच ऑफ द वाटर 6 होना चाहिए, ये तो आ जाएगा, ये तो कर लोगे, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के अफेक्टेड फैक्टर्स हैं या फिर कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, तो वो आप देखोगे कि ये कहाँ से आ गया। अब एक्सपोजर कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो 5 एक्सपोजर कंडीशंस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ठीक है, एक कहीं मैंने पढ़ा था कि एब्रेसिव और एक्सपोजर कंडीशन होती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं अभी तो, है ना। एब्रेसिव जो एक्सपोजर कंडीशन उसको हम भूल जाते हैं अभी। तो 5 टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंडीशन को माइल्ड बोलेंगे, कौन सी कंडीशन को मॉडरेट बोलेंगे। आप मकान को, आपको एक बिल्डिंग को देखेंगे और बिल्डिंग को ये बोल देंगे कि भाई ये तो माइल्ड कंडीशन में है, इसका जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है वो माइल्ड है, तो हाउ विल यू डिसाइड कि ये माइल्ड है। उसके लिए आईएस कोड कहता है कि कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया। तो अगर आपकी बिल्डिंग जो है ऐसी सिचुएशन में है कि उसके अंदर कंक्रीट सरफेस जो है दैट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और अग्रेसिव कंडीशंस, कोई अग्रेसिव कंडीशंस नहीं है, ठीक है, वेदर से भी वो प्रोटेक्टेड है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में अलावा, अगर कोस्टल एरिया के अंदर वो नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर भी है और अग्रेसिव कंडीशंस है तो भी उसको हम माइल्ड कंडीशन में कंसिडर करेंगे। नाउ मॉडरेट के लिए, कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम शीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स वेट कॉन्क्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, कॉन्क्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कॉन्क्रीट इन कॉन्टैक्ट और बरीड अंडर नॉन अग्रेसिव सॉइल ग्राउंड वाटर, या फिर कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर फ्रॉम सेचुरेटेड सॉल्ट एयर इन द कोस्टल एरिया। तो इतने जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये अगर ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे मिलती हैं हम कहेंगे कि ये मॉडरेट कंडीशन है, ठीक है, तो वो आपका एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, मॉडरेट हो गया। सीवियर के अंदर आपके कॉन्क्रीट सरफेस हैं दैट इज एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू रेन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ओकेजनल फ्रीजिंग वर्स्ट वेट और सीवियर कंडेंसेशन, वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, अल्टरनेटिव ड्राइंग हो रही है, ठीक है, वेटिंग हो रही है, या फिर रेन से एक्सपोज हैं। तो देखो इसको हम सीवियर क्यों बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे हम पानी का वेदर से एक्सपोज है, जहाँ पे रेन हो रही है, फ्रीजिंग थाइंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर जो भी अगर कोई मिनरल्स है, मान लीजिए कंक्रीट के अंदर सल्फेट एज ए एस ओ थ्री जो भी कंपाउंड होगा वो मिलकर सल्फेट बनने लगा, और सल्फेट जो होता है, ठीक है, वो उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस होते थे, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम से 227% तक का वॉल्यूम चेंज होता है, मतलब 2.27 टाइम्स वॉल्यूम चेंज। और वॉल्यूम चेंज जहाँ हो गए ना अगर कंक्रीट के अंदर, तो वहाँ मान लो श्रिंकेज क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है, और श्रिंकेज क्रैकिंग की प्रॉब्लम है मतलब ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये सीवियर हो जाती है, और सीवियर के लिए फिर आपने टेबल देखी, टेबल 5 आप देखोगे अभी, तो वहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको देख के ये बोल के रखा है भाई ये ऐसी कंडीशन है, तो भाई मिनिमम आप सेफ्टी लेके चलो, पहले मिनिमम इतनी ग्रेड दो, ठीक है, M30 तो देनी ही देनी है आपको, फिर आपको मिनिमम अगर आप सीमेंट दे तो 330 किलोग्राम सीमेंट तो दे, ठीक है, 1 m³ में। तो ये पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितना जो है आपको वहाँ पे सेफ्टी लेके चलनी, कौन सी टाइप का कंक्रीट है, कितनी आपको कवर देना है वहाँ पे, ठीक है। तो सीवियर कंडीशन है तो कम से कम आपको 45 mm का, तो 45 mm का तो वहाँ पे कवर देना ही है, ठीक है, वेरी सीवियर है तो 50 mm, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन है 75 mm का कवर तो देना ही देना है, ठीक है। वो क्यों देना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोज टू एयर कंडीशन है, सीवियर में देखो एक्सपोज टू यहाँ पे रेन है, अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग हो रही है, तो आपका जो रेनफोर्समेंट है वो एटलीस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द रेनफोर्समेंट इज एटलीस्ट 45 mm फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेंबर, तो ताकि जो आपका मेंबर के अंदर जो भी रेनफोर्समेंट है वो बचा रहे, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाटर का नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए। वेरी सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे कोरोजिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाले स्वीट कॉन्क्रीट इन कॉन्टैक्ट विद द बरीड अंडर अग्रेसिव सब सॉइल ग्राउंड वाटर। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या है, सरफेस ऑफ द मेंबर इज टाइडल जोन, टाइडल जोन के अंदर, मान लीजिए कोई ब्रिज बना हुआ है और उसका जो पियर है वो पियर आपका टाइडल जोन के अंदर है,
तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी, आपके एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम में कम से कम आपका जो एग्रीगेट है, जो आपका कंक्रीट का ग्रेड होगा M40, तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और 360 तक आपका सीमेंट कंटेंट आप यहाँ पे लेते हैं। 75 mm जो है यहाँ पे आपको कंक्रीट कवर देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल जो है, टेबल 5, टेबल 3, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स। देखो हमने ये टेबल डिस्कस की है, वर्केबिलिटी वाली, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देन वी हैव डिस्कस्ड, ये तो देखो, ये भी आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन सी ग्रेड आती है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन सी आती है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर कौन सी आती है। टेबल्स तो हमने टेबल 3, टेबल 5 और एक वर्केबिलिटी वाली टेबल, तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कंक्रीट की और प्रॉपर्टीज हम यहाँ देख रहे हैं। व्हेन द कंक्रीट लोअर देन ग्रेड M50 इज यूज अंडर दिस कंडीशन, द मीन टोटल एयर कंटेंट बाई वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश कंक्रीट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन टू द कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो फ्रीजिंग और थाइंग एक्शंस हैं, उनसे बचने के लिए कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर एंटेनमेंट करते हैं उसके अंदर। तो एयर को अगर हम एंटेन करते हैं, ये एडमिक्सचर्स होते हैं जनरली, तो एयर एंटेनमेंट एडमिक्सचर्स अगर हम कंक्रीट के अंदर ऐड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस, एक्सटर्नल वेदर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग थाइंग एक्शंस हैं, उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल पाता है। तो आपको कितना यहाँ पे एंटेंड एयर का परसेंटेज रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। अगर आपका 20 mm यहाँ पे नॉमिनल मैक्सिमम साइज है, तो यहाँ पे एंटेंड एयर परसेंटेज कितना होना चाहिए, 5 ± 1%, ठीक। कहने का मतलब अगर आप जितना नॉमिनल मैक्सिमम साइज बढ़ाएंगे तो आपको एंटेंड एयर का परसेंटेज कम करना पड़ेगा। 40 mm है, 40 mm के लिए आपको परसेंटेज कितना है, 4 ± 1%, ठीक है। When the concrete lower than grade of M30 is used, यहाँ पे ये देख लो, इसमें भी कंडीशन है, M30 जो है उससे अगर कम का आप ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इतना जो है यहाँ पे अनट्रेंड एयर परसेंटेज रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक पॉइंट है जिसमें मैंने मार्क तो कर रखा है कि pH वैल्यू जो 6 to 9 कहाँ पे, एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक्स। टेबल 4 गिव्स द रिकमेंडेशन फॉर द टाइप्स ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट विच आर रिक्वायर्ड अ डिफरेंट सल्फेट कंसेंट्रेशन इन नियर नेचुरल ग्राउंड वाटर हैविंग पीएच वैल्यू 6 to 9। टेबल 4 है आपकी, ये है आपकी टेबल 4। रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट एक्सपोज टू सल्फेट अटैक। तो अब इसमें क्या है कि जैसे आपको एक तो यहाँ पर टाइप ऑफ सीमेंट दे रखा है, ठीक है, फिर आपका जो सल्फेट है टोटल SO3 है, ठीक है, सॉइल के अंदर, और अगर सॉइल में SO3 × 2⁻¹ वाटर, ठीक है, वाटर अगर आपका 2 वाटर है और सॉइल एक्सट्रैक्ट 1 है, तो उस सिचुएशन में आपको कितना यहाँ पे सल्फेट्स का कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे आपको टेबल में गिवन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सीमेंट। फिर आप यहाँ पे डेंस फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मेड विद 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट कंप्लाइंग विद IS 383, और उसके लिए देखो मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी यहाँ पे दे रखा है और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा आपके टेबल 5 है, उसके अंदर भी डिफरेंट जो एक्सपोजर कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सीमेंट वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो, और उसके अलावा सीमेंट की वैल्यू और ग्रेड की वैल्यू दे रखी है। पॉइंट नंबर 6 है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कन्फर्म IS 455 विद स्लैग कंटेंट मोर देन 50% एग्जिबिट्स बेटर सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशंस पे काम करना है, कोई मैरिन स्ट्रक्चर्स है या फिर आपका टाइडल जोन्स में कोई स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे सल्फेट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है जिसके अंदर 50% से ज़्यादा स्लैग कंटेंट है, वो आपका बेटर सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, अभी दिखाता है। चलिए नेक्स्ट है आपके टेबल 5 आ गया। देखो टेबल 5 में
अब देखो आपसे ये पूछ लिया जाए कि मिनिमम आरसीसी के लिए मिनिमम जो ग्रेड ऑफ द कंक्रीट होती है वो कितनी होती है, तो आप लिखोगे वहाँ पे M20। अब क्वेश्चन में आरसीसी की जगह लिख दिया पीसीसी लिख दिया, तो पीसीसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेबल देखोगे, तो पीसीसी के लिए M50 मिनिमम है जो कि मॉडरेट कंडीशन में है। तो जनरली यहाँ पे देखो आपको आरसीसी वाला याद रखना है, ये वाली जो टेबल है यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300, इसको तो मतलब रट लो, इसको रट लो बिल्कुल कि मिनिमम 20 है, उसके बाद में 5 बढ़ाते जाओ, 20 25 30 35 40 मिनिमम मोटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे 0.55 0.50, फिर दो बार 0.45 है, 1.40 मतलब 0.55 है यहाँ पे। मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पे कितना है, 300 320 340 360 300 320 340 360, ठीक है। तो ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख लो। उसके अलावा एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 mm, देखो क्या होता है कि हम डिज़ाइन मिक्स करते हैं उसके अंदर ये कंसीडर करके चलते हैं कि आपका जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट है वो 20 mm है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका 20 mm की जगह 10 mm कर रहे हो, ठीक है 10 mm यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट की साइज़ कम कर रहे हैं तो यहाँ पे सीमेंट का परसेंटेज वो बढ़ाना पड़ेगा, वो कितना परसेंटेज बढ़ाना है, 40% बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 40 यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आपका 20 mm की जगह 40 mm यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सीमेंट का कंटेंट 30% कम कर सकते हो, ठीक। तो ये पॉइंट है, तो ये भी आपको ये दो चीज़ है। अगर मान लीजिए देख लो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ कि 20 mm है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, 10 mm है तो 40 का एडजस्टमेंट करना, और 40 mm है तो अब -30 करना। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया इसमें, क्रैक विड्थ के, अभी कुछ कंक्रीट के लिए क्रैक विड्थ आगे हम आई थिंक आगे आएगा वो पॉइंट है, तो क्रैक विड्थ में हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। कंक्रीट इन द सी वाटर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली कि इन केस ऑफ कंक्रीट जो है सी वाटर के अंदर या एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्टल एरिया, वहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितनी रखनी चाहिए, तो M30 रखते हैं आरसीसी में। अगर आपसे पीसीसी पूछ लिया, प्लेन कंक्रीट पूछ लिया, वहाँ पे M20 रखते हैं, मतलब कंक्रीट इन सी वाटर में मिनिमम ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितनी रखेंगे, M30 रखेंगे। फिर है आपका नेक्स्ट क्लोज 8.2.8.3, नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी अलाउड विद इन 600 mm बिलो वाटर लो वाटर लेवल और विद इन 600 mm द अपर एंड लोअर प्लेन ऑफ द वेव एक्शन। फिर वेयर यूजली सीवियर कंडीशन और एब्रेजन आर एंटीसिपेट, पार्ट्स ऑफ द वर्क शैल बी प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस और सिलिको फ्लोराइड कोटिंग और स्टोन फेसिंग बेटर विद द स्नो। चलो ये पॉइंट तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। मतलब कंस्ट्रक्शन जॉइंट का इसमें कह रखा है कि विद इन जो 600 mm है उससे कम जो है वाटर लेवल वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट अलाउ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो जब आप डिज़ाइन मिक्स बनाते हो, डिज़ाइन मिक्स तो आपको अलग से कोड पढ़ना पड़ेगा 10262, ठीक है। इसका लेटेस्ट एडिशन आया है 19 में आया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 19 में क्या करा इन्होंने, जैसे हम पहले डिज़ाइन मिक्स बनाते थे तो उसमें एडमिक्सचर जो है वो उसके अंदर कोड में दिया नहीं था, ठीक है। तो अब जो है हम इसके अंदर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए भी आपको डिज़ाइन मिक्स गिवन है इस कोड में, एडमिक्सचर के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। जो आप प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन मिक्स के एग्जांपल्स और ये सब कुछ गिवन है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना ज़ूम करना है जब आप डिज़ाइन मिक्स बनाते हो, तो ये चीज़ भी वहाँ पे है। वैसे यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और 25 है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4 लेते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो 5 लेते हैं 10 और 15 के लिए, क्योंकि हम जो डिज़ाइन मिक्स होता है वो M20 से ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। M25 या फिर 30 बना रहे हैं तो उसके लिए डिज़ाइन मिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपका 25 के लिए 4 हो गया और उससे ज़्यादा हो जाए उसके लिए 5 हो जाता है। कहाँ पे काम आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या मीन टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, उसके फॉर्मूले में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रिक्वायर होती है।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यहाँ पे देखो ये जो है ये मैंने मार्किंग करके इसलिए करके स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जैसे मान लो 4 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है M25 ग्रेड के लिए, वेयर देर इज अ डेविएशन फ्रॉम अबोव दीज वैल्यूज गिवन द अबोव टेबल सेल बी इंक्रीज बाई 1 N/mm². अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी डेविएशन है द अबोव, देखो पूरा ही आप पैराग्राफ पढ़ लिया यहाँ पे, द अबोव वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द सीमेंट वेट बैचिंग ऑफ द ऑल द मटेरियल्स कंट्रोल एडिशन ऑफ द वाटर रेगुलर चेकिंग ऑफ द ऑल द मटेरियल्स एग्रीगेट रीडिंग्स एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड पीरियडिकल चेकिंग ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इस कंडीशन में है कि सारा सब कुछ जो है यहाँ पे साइट पे सब कुछ सही रहेगा तब जाके यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशंस रखने हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही है ना कि आपका एक्चुअल क्वालिटी के अंदर कुछ डेविएशन प्लस माइनस डिफरेंस हो सकता है तो वो यहाँ पे डेविएशन है। अगर आपका इन सब वैल्यूज़ के अंदर कुछ डेविएशन हो रहा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 N/mm² से बढ़ा सकते हैं। आई होप आप समझ आ गया होगा कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू उसको अगर आप बढ़ाना है 1 से बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे, अगर ये सब कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करती, ये क्राइटेरिया जो है ये फुलफ़िल नहीं करता है, कुछ भी चेंज होता है इसके अंदर। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ये पॉइंट है, अगर ये फुलफ़िल नहीं करता है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ाना पड़ेगा भाई 1 से, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है तो वहाँ पे डेविएशन बढ़ सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट है आपका हाइलाइटेड बैचिंग के अंदर। ठीक है, तो बैचिंग क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब भी आप कंक्रीट बनाते हैं उसके लिए उसको जो भी आपके मटेरियल्स है एग्रीगेट हो गया सीमेंट हो गया उनको जो मेजर करने का प्रोसेस है, आप वेट बैचिंग कर सकते हैं वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, उसको हम बैचिंग कहते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इक्विपमेंट सेल बी विद इन प्लस माइनस 2% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बीइंग मेजर्ड एंड विद इन प्लस माइनस 3% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट एडमिक्सचर एंड वाटर बीइंग मेजर्ड। तो जब भी आप बैचिंग करते हैं तो उसके अंदर अगर आप सीमेंट की बैचिंग करें, सीमेंट की बैचिंग के लिए जो यहाँ पे वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है, जो इक्विपमेंट होता है उस मेजरिंग इक्विपमेंट की एक्यूरेसी प्लस माइनस 2% की होनी चाहिए सीमेंट के लिए, और प्लस माइनस 3 किसके लिए होनी चाहिए, अदर जो मटेरियल्स हैं मतलब एग्रीगेट एडमिक्सचर और वाटर, इनके लिए। तो वेरिएशन कितना होना चाहिए इक्विपमेंट का, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 2 सीमेंट के लिए होना चाहिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका मिक्सिंग का। तो मिक्सिंग के अंदर पॉइंट ये है, फॉर द गाइडेंस द मिक्सिंग शैल बी मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 मिनट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मिक्सिंग टाइम जो है कंक्रीट का कितना होना चाहिए एटलीस्ट, तो 2 मिनट तो कम से कम वो जो मिक्सिंग होनी ही चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा होगी तो बेटर है, क्यों, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बात करें अगर आपको ISTFST टेस्ट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम, उसमें कहते हैं कि विद इन 3 मिनट का टाइम आप मिक्सिंग फिलिंग प्रोसेस जितना भी होता है वो सारा हो जाना चाहिए, क्यों, हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक मिक्स करेंगे वहाँ पे वाटर लॉस भी हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। और कम से कम वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, वैसे तो कंक्रीट आपका हेटरोजीनियस होता है, पर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मिक्सचर प्रॉपर हो जाना चाहिए, इसलिए मिक्सिंग टाइम जो है एटलीस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो आपके एडमिक्सचर्स हैं उसकी डोजेस के लिए कह रखा है कि डोजेस ऑफ द रिटार्डर्स प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 0.5, 1.0 एंड 2.0% रेस्पेक्टिवली ऑफ द वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल एंड अनलेस अ हायर वैल्यू इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड द कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रपोज्ड। तो लिमिट्स देखो, अगर आपका रिटार्डर यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे, तो रिटार्डर्ड के अंदर आपका 0.5% ऑफ व्हाट, जो भी आप अगर आप सीमेंटेश मटेरियल लाइम यूज़ कर रहे हैं या सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका 0.5% यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है रिटार्डर के लिए, प्लास्टिसाइजर के लिए 1% और सुपर प्लास्टिसाइजर के लिए 2%। यार कुत्ता वो बहुत भाग कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। उसके अलावा देखो ये तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, कि आपका फॉर्मवर्क जो है वो कब हटाना पड़ता है आपको, टाइप ऑफ फॉर्मर और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पीरियड बिफोर। ये कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे। आई थिंक ये जो है ये आप खुद से पढ़ना, एक मिनट।
या फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जो पेज नंबर 24 है उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4-5 पेज रह गए, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।